खत्म बेटा। हाँ चलो दूध पी लो। नहीं मम्मा अभी नहीं, माँ मैं लेट हो रही हूँ। जब देखो मम्मा मैं लेट हो रही हूँ। माँ मुझे अभी चलो पी लो। चलो मम्मा इतना सारा काम करना है और मैं लेट ही हो रही हूँ। सनम चुपचाप पी लो। सनम सनम अच्छा हुआ तो घर पे मिल गई। देख तेरे लिए ड्रेस लेकर आई हूँ, फैंटास्टिक कलर है ना। जी तेरे टेस्ट का तो जवाब नहीं होता। तेरे टेस्ट का जवाब ही नहीं। ये सब करने के लिए टाइम है लेकिन दूध पीने के लिए टाइम है, राइट? चलो भाई मैं अभी चल रहा हूँ। चलिए कहाँ ऑफिस? चलो सब लोग जल्दी आ जाओ पूजा के लिए। पूजा कर लो। बाय बाय मामा। बाय हैव अ ग्रेट डे। यू टू। बाय मॉम। बाय बेटा। बाय मामा। क्या कर रहे हो अभी? बंद करो सर। थैंक यू वेरी मच। This is the best deal we are going to have, sir. I think this is the right move. This is Rohan. Rohan Verma. Please sit down. Excuse me. Sure. Thank you. So, gentlemen, मैं पिछले 3 महीनों से क्रिश्चियन एसोसिएट से नेगोशिएट कर रहा हूँ।
वो अपनी कंपनी बेचने को तैयार नहीं है। मगर हाँ, वो इस बात को जरूर तैयार है कि हम 14 मिलियन डॉलर्स में उनके 33% स्टॉक्स खरीदें। उनके पिछले रिकॉर्ड से ये साबित होता है कि हम ये सारा अमाउंट एक साल में रिकवर कर सकते हैं, सिर्फ एक साल सर। और फिर इस कंपनी से हम हर साल यही अमाउंट अर्न कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से जैसा यश ने कहा बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। एनीवे फ्रेंड, दिस इज माय लास्ट बोर्ड मीटिंग, आई विल बी रिटायरिंग टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, अ प्लेजर वर्किंग विद यू। और मुझे लगता है कि अब किसी नए यंग ब्लड को मेरी जगह ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्या जरूरत थी ऐसे मीटिंग में आने की? और अगर आप ही गए तो बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मैं तो आपका ही भला सोच रहा था, आपके बिजनेस का। मेरे बिजनेस के बारे में मैं ज्यादा जानता हूं या तुम? मैं अगले महीने उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी जिसके कंपनी में आप पैसे लगा रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। हाँ यश, अभी जो मीटिंग मैंने फाइल साइन की थी वो मेरे पास वापस लेकर आ, हम ये डील नहीं कर रहे। अच्छा यश, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ हाँ, बाकी बोर्ड मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दो। लेकिन सर प्लीज। ओके सर। मेरी माँ है, 20 साल पहले चल बसी थी कैंसर से। जानता हूं। अब बाथरूम अकेले जा सकता हूं कि नहीं? थैंक यू। थैंक यू फॉर योर कंपनी टुडे, आप थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूं। अब मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूं और आप भी आराम करिए अपने कमरे में। ओके अपने कमरे में। थैंक यू।
स्विमिंग नहीं आती तो तुम पानी में क्यों कूदे? तुमने कहा तो आ गया। मैं जो भी कहूंगी तुम करोगे? जिसको वो मिल गया वो सिलसिला शुरू प्यार का। मेरा दिल भर मेरे पास है, कितना हसीन मेहजाज है, मौका यही है इजहार का। मत छेड़ो यूं दूर से, मत छेड़ो यूं दूर से, हम तो है मजबूर से, छाया नशा के तुम पास हो। आंखों आंखों में दिल गया, जहाँ जिसको वो मिल गया वो सिलसिला शुरू प्यार का। बहुत मन मचलने लगा, इश्क की आंच से जिस्म जलने लगा, मैंने रोका बहुत मन मचलने लगा, उलझी तेरी लतों को आज मैं संवार दूं, बाहों के दायरे में ये घड़ी गुजार दूं, गुजार दूं, गुजार दूं, ये सारा मंजर हिल गया, ये सारा मंजर हिल गया, आंखों आंखों में दिल गया, हुआ सिलसिला शुरू प्यार का, हुआ सिलसिला शुरू प्यार का, हुआ सिलसिला शुरू प्यार का। हाय रोहन, सर कहाँ है? पापा। नो प्रॉब्लम, मैं ढूंढ लूंगा। बेटे, हो सकता है तू ही गलत सोच रहा हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मां, अपनी आंखों से देखा है उसे उस जगह जो जो मेरी है। मैंने अपना खून, अपना पसीना, अपनी जिंदगी, सब कुछ दिया है इस कंपनी को, और अचानक कोई और आ जाए और मेरे सारे सपने तोड़ दे। मैं ये भी बर्दाश्त कर लेता, मगर सनम, तुम तो जानती हो ना कब से प्यार करता हूं मैं उससे।
कब से? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा। रिकी नवाब, यही वो हॉस्पिटल है जहां मैं ट्रेनिंग ले रही हूं। आओ तुम भी अंदर आ जाओ। तुम्हें पता है मामा को तो यकीन ही नहीं होता कि अगले साल तक मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। हाय क्रिस्टीना। हाय सनम। थैंक यू। रिकी तुम यही रुको, मैं अपनी फाइल सबमिट करके अभी आती हूँ। ओके ओके। उन दोनों के बीच में तो पता है उस दिन जब मैं तुम्हें कार्ड देकर आई थी तो सोच रही थी पता नहीं तुम मिलोगे कि नहीं, मगर मुझे ऐसा लग रहा था तुम मिलोगे जरूर। क्या कर रहे हो? I'm new.
एक बात तो मुझे समझ में ही नहीं आती कि आप लोग करवा चौथ में भूखे कैसे रह लेते हो? आपको भूख नहीं लगती क्या? बेटे, एक बार तुम अपने पति के लिए व्रत रखोगी ना, तब पता चलेगा कि कितना सुकून मिलता है और व्रत के साथ साथ शॉपिंग करने को भी मिलता है, है ना मामा? हाँ, शॉपिंग। और किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। रोहन, मुझे दे दो। अरे यश, तुम अंदर क्यों नहीं आए? थैंक यू। वो आंटी, मैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स कर रहा था। अच्छा, थैंक यू। बहुत शॉपिंग कर ली। घर जाके देखेंगे। इस काम के लिए मुझे किसी ने पैसे दिए थे। किसने? यश ने। प्लीज मुझे जाने दो। कौन थे वो लोग? कुछ नहीं माँ, चोरी करने आए थे। चल चल गाड़ी में बैठ। अंजलि, सनम, चलो अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। चलो भागो जल्दी। सनम भागो। जी। रोहन, ये सब मैंने क्यों किया ये बताना बेमतलब है, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा तुम मुझसे बहुत अच्छे थे। तुम्हारा हक बनता है वो हर चीज पर जो तुम्हारे पास है। अरे वो रोहन कहाँ रह गया? और ये यश, तुम लोगों ने इसे अंदर नहीं बुलाया? कमाल करते तुम लोग। और ये रोहन, मैं कितना चिल्ला रही थी कि रोहन हज्जा हज्जा, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। ये लो आ गया। अगर वो लोग गोली चला देते तो? देख रोहन, मुझे अच्छा नहीं लगता। बैठ जा। तुमने मुझे माँ कहा ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, तुम तो सुपरमैन हो ना। अरे तुम ये क्या करते रहते हो? पहले भी एक बार आपने ऐसा कुछ किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब भी मैं अपने आप करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। बेटे, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शरीर में बसी आत्मा को छू लेते हैं। एक ऐसा ही रिश्ता होता है माँ का। माँ? थैंक यू। नहीं बेटे, थैंक यू वेरी मच। तुम खा लो ना, आज मैं नहीं खा सकती हूँ, आज करवा चौथ है ना। करवा चौथ? लो माँ,
अब इन्हें करवा चौथ का मतलब भी समझाना पड़ेगा। बेटे, साल में एक ऐसा दिन होता है जब पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। तो व्रत रखने से मृत्यु नहीं आती? यही तो कमाल की बात है बेटे, मृत्यु आती है लेकिन फिर भी औरतें व्रत रखती है। कब जाने किसकी सुन ले भगवान। मत सोचो इन रिश्तों के बारे में, वरना अपना कर्तव्य भूल जाओगे, फंस जाओगे। इंसान बनाया ठीक था, दुनिया बनाई ठीक था, पर ये कमबख्त रिश्ते क्यों बना दिए? और वो भी ऐसे रिश्ते कि जी करता है कि उसका लिखा ही मिटा दे। मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं उनसे, पर मैं किससे मांगू कुछ दिन और? सारी जिंदगी तुम उनकी खुशियों के लिए जिए हो, आज आखिरी रात है, आओ इतनी सारी खुशियां दे उन्हें कि कोई मलाल ना रह जाए। Come on, boy. गैया
निसोड़िए अच्छा लड़ गैया में पानी इस जीवन की बस ये कहानी सांसें तो है आनी जानी सांसें तो है आनी जानी क्या बात है आपको पता है आपकी बेटी को प्यार हो गया है किससे अरे ये रोहन की बात कर रही है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं सनम का रोहन से कोई रिश्ता नहीं हो सकता
क्यों करम? मैंने कह दिया ना कि सनम का रोहन से कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। वैसे भी रोहन ये घर छोड़कर जा रहा है हमेशा के लिए। मैंने तय कर लिया है कि सनम की शादी यश से होगी। पर पापा मैं... शट अप! आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग। सनम, 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 मेरी बात तो सुनो, सनम, सनम रुक जाओ, सनम, सनम प्लीज मत रो सनम, पापा से मैं बात करूंगी सनम, तू चुप हो जा, प्लीज सनम, सनम, चुप हो जा। क्या हुआ सनम? पापा कुछ समझते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि मैं और तुम शादी कर सकते। उन्हें कितनी बार समझाया कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, पर प्यार प्यार मैं रिक्की से करती हूँ। प्लीज तुम ही उन्हें समझाओ ना हमारे रिश्ते के बारे में। क्या रिश्ता समझाओ सर? झूठ भी तो नहीं बोला था तुम्हारे बारे में? सच यह है कि मैं भी प्यार करता हूं तुमसे। हाँ, प्यार करता हूं बचपन से। बन गई ना? तुम्हारा रोना रुकने का इससे अच्छा तरीका मेरे पास नहीं था। अरे सनम, तुम तो जानती हो सर तुमसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें डेफिनेटली कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। एंड ऑफ कोर्स रोहन बहुत अच्छा लड़का है। तुम क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। अभी रोना बंद करो। ओके, आई हेट टू सी यू क्राइंग। स्माइल फॉर मी, स्माइल बॉक्स। हैप्पी बर्थडे करम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पता नहीं जिंदगी हजारों सालों की होती या नहीं, लेकिन जब भी मैं अपनी आंखें बंद करूं, बस तुम इसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते मेरे सामने खड़े रहो। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू टू माय डियर। चलो गेट रेडी फॉर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आई लव यू। अंजलि बेटा, बर्थडे बॉय, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे यश, वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू यश, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ये अकेली पूजा क्यों कर रही है? मैंने पूछा था इससे, कहती है मन की शांति के लिए। एक्सक्यूज मी, मन की शांति के लिए। बेटा थैंक यू। सॉरी बेटा, दरअसल मैं जो भी सोच रहा हूं तुम्हारी खुशी के लिए सोच रहा हूं बेटा।
ये इतनी लंबी पूजा क्यों कर रही हो? आपके बर्थडे पे भगवान से डिस्कशन कर रही थी। कैसा डिस्कशन? मैं कह रही थी कि मुझे मेरे पापा हर बर्थडे पर चाहिए, आने वाले सब सालों तक। मैंने जी पापा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा, चलो भास के हैप्पी बर्थडे बोलो, सब देख रहे हैं, कम ऑन। हैप्पी बर्थडे पापा। आई लव माय बेबी। डैडी के पैसे उड़ाए होंगे तुमने सब। हैप्पी बर्थडे मिस्टर जिंदल, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, थैंक यू। तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्योंकि तुम मुझसे साफ साफ बात नहीं कर रहे हो। क्या तुम कहीं जा रहे हो? हमेशा के लिए? और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और मैं बेवकूफों की तरह। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम जा क्यों रहे हो? मुझे जाना ही होगा, नहीं रुक सकता मैं। तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम जहां भी जा रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। Happy birthday, sir. Thank you. Mr. Jindal, what are your future plans? Mr. Jindal, you must be feeling great today. Mr. Jindal, how long did it take to make this possible? You must be really happy that you're doing something. Yes, yes, I'll answer all your questions. 20 साल पहले जब मैं इंग्लैंड आया था, मैं, मेरी बीवी संध्या, मेरी माँ, सिर्फ हम तीनों थे। नौकरी ऐसी थी कि घर बस ठीक ठाक चल जाता था, और फिर मां को कैंसर हो गया। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं मां का इलाज ठीक से करवा पाता। और फिर मां चल बसी। मन में बस एक कसक रह गई कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं मां का इलाज। और फिर मैंने एक सपना देखा कि अगर भगवान ने मुझे पैसा दिया तो मैं इतना बड़ा अस्पताल बनाऊंगा ताकि किसी बेटे के मन में ये इच्छा ना रह जाए कि पैसा होता तो मां बच जाती। आज मां का आशीर्वाद मुझ पर है, उसका हाथ मेरे सर पर है कि मैं इतना बड़ा अस्पताल बना पाया। थैंक यू। या सब ठीक हो गया ना? मैंने रास्ता निकाल लिया है। कैसा रास्ता? आज रात हमारे साथ सनम भी जाएगी। मतलब? मैं और सनम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने कहा कि मैं जहां भी जाऊं वो मेरे साथ चलेगी, तो आज रात सनम भी जाएगी हमारे साथ। तुम मृत्यु हो मिस्टर रोहन वर्मा, और मेरे प्राण लेने इस धरती पर आए हो। सनम को साथ ले जाने का मतलब समझते हो? और तुम जानते हो सनम तुमसे प्यार नहीं करती, वो तो जानती भी नहीं कि तुम कौन हो।
सनम रिकी से प्यार करती है, रिकी से, उस रिकी से जिसका शरीर इस्तेमाल करके तुम इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो। और इंसान बनना इतना आसान नहीं होता, प्लीज रिमेंबर दैट। सनम सिर्फ रोहन से प्यार करती है। तुम प्यार करती हो मुझसे? कब से? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ऐसे कब से? जब से तुम्हें देखा है ब्राइटन में गाने गाते हुए, उसी दिन से, उसी पल से। और कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। मुझे छोड़ के कहीं जाओगे तो नहीं? नहीं, नहीं। मैं भूल गया था, मैं भूल गया था कि मैं मृत्यु हूं तुम्हारी। सबने मुझे इंसान समझने की भूल की, और पता नहीं कैसे मैं खुद को इंसान समझने लगा, प्यार करने लगा इंसानों से। रिकी के शरीर में रहते रहते भूल गया कि मैं रिकी नहीं हूं। नहीं, मैं रिकी। अब चलने का समय आ गया है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। इन चार दिनों में मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस हकीकत को कि इंसान को एक ना एक दिन जाना ही होता है। पर शायद तुमने मेरे इस आखिरी सफर को आसान बना दिया है। मैंने आज तक हमेशा संध्या, अंजलि और सनम की आंखों में खुशी ही देखी है, और उम्मीद है कि आज भी मैं एनीवे, चलो अपने घर वालों को आखिरी बार मिल लो। मैं भूल गया था कि मैं मृत्यु हूं तुम्हारी। सबने मुझे इंसान समझने की भूल की, और पता नहीं कैसे मैं खुद को इंसान समझने लगा, प्यार करने लगा इंसानों से। रिकी के शरीर में रहते रहते भूल गया कि मैं रिकी नहीं हूं। नहीं, मैं रिकी। ओ लेती है ये जिंदगी क्या क्या सांसों की लगी कोई जाने ना। ओ लेती है ये जिंदगी क्या क्या इंतहा जाने ना, जाने ना, जाने ना, जाने ना।
कर तो गम से चूर है, हालात से कोई मजबूर है, कोई जाए सब कुछ छोड़ के, कोई पास है फिर भी दूर है, मिलन की आरज़ू है, जुदाई की घड़ी है, उदासी की झड़ी है, बड़ी मुश्किल पड़ी है। तीस साल पहले जब हम इस शहर में आए थे हमें कोई नहीं जानता था, और कितने सारे लोग हमारी खुशी में शामिल होने आए। करम, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम्हारे साथ के अलावा मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पाता। हर जन्म तुम्हारे साथ ही रहूंगी। प्रॉमिस? एक सेकेंड, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान 7 बार जन्म लेता है। आज मैं आप सबके सामने अपनी वाइफ से एक परमिशन मांगना चाहता हूँ। क्या बात है आंटी, हम सब देख रहे हैं, कुछ बात तो है। संध्या, हाँ? क्या तुम हर जन्म में मेरी वाइफ बनोगी? Will you marry me in every birth? Come on, come on! Of course, my dear, of course. I remember you are also Jindal and I am also Jindal. सर कैसा लगा डिप्रेशन? डिप्रेशन जी बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, लगता है मैं ठीक बोल गया। अरे भाई, क्या बोल रहे थे उदय जी? पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है सेलिब्रेशन। तुम हमेशा मुझसे कहती रहती थी ना कि पापा कैसा लग रहा है मेरा अरेंजमेंट। तो आई वॉन्ट टू टेल यू टूडे दैट यू हैव मेड मी फील लाइक ए किंग। ओह थैंक यू सो मच पापा। अच्छा, अब एक प्रॉमिस करो कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम मेरा बर्थडे इतनी ही धूमधाम से सेलिब्रेट करोगी।
आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा? अरे बेटा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं नहीं रहूंगा, पता नहीं कब, पर आएगा तो सही ना। नहीं पापा, आई लव यू। वजह तो शायद नहीं बता सकता, लेकिन विश्वास करो मेरा बेटा, मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगा। रोहन से तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। कैन आई प्लीज डांस विद द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन दिस पार्टी? कहीं अरमा कर ले यार का, कहीं बिखरे मोती ख्वाब के, कहीं वादा हो इकरार का। किसी लब पे हंसी है, कहीं आंखों में पानी, किसी ने भी न जानी मोहब्बत की कहानी। आपने तो खैर सारी उम्र, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, मगर माफ कीजिएगा, ये सब जानने के बावजूद भी मुझे आपको यहां से ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। इन चार दिनों में मैंने जो भी सोचा था वो सब कर लिया, सब देख लिया, लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे कुछ तो भूल आया। तुमने सही कहा था कि जब भी जाना होगा कुछ तो अधूरा रह ही जाएगा। मैं नहीं जानता सनम जिस लड़के को चाहती थी वो कैसा था, लेकिन जैसा इंसान मैंने उसके लिए सोचा था तुम बिल्कुल वैसे हो। आज पहली बार अपने परिवार को इतने दूर से देख रहा हूं, सब मुझे मिस तो करेंगे, पर एक अफसोस जरूर रह गया कि सनम के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। बहरहाल तुमने जो चार दिन मुझे जिंदगी के दिए, ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। शुक्रिया। आपने बिल्कुल सच कहा था, इंसान बनना आसान नहीं है,
कैसा है वहां सब? इतना बुरा नहीं है। मिलने आई थी, तुमने मुझे कार्ड भी दिया था चर्च के बाहर, और फिर तुम चली गई और मैं काफी देर तक मुड़ मुड़ कर देखता रहा और अचानक सब अंधेरा हो गया। जब आंखें खुली तो पता नहीं मुझे, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, मुझे छोड़ जाओगे तो नहीं? नहीं पाया था, आज कह दूं।